हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा व्लॉग है फिश आलू करी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सामान है 250 ग्राम आलू, 1 किलो फिश और 2 टमाटर पीसे हुए, 1 प्याज हमने पीस ली है और ये 2 प्याज हमने फ्राई कर ली थी, और 1.5 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए ये हमारे कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें से 5 से 6 काली मिर्च और 4 लौंग और थोड़ा सा जीरा और 2 तेज़पात के पत्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिश जो होती है सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है। चलिए हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, जो ये है जीरा, लौंग, काली मिर्च और तेजपात के पत्ते, और फिर इनको हम थोड़ी देर सोटे करेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई प्याज डालेंगे। देखिए प्याज को ज़रूरी है भूनना, इसकी कचे निकल जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। चलिए हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से सौटे करेंगे। मसाला जितना भुनो इतने ही अच्छी सब्जी बनती है। चलिए अब हम इसमें टमाटर डालते हैं पीसे हुए। अब हम इसमें मिर्च डालेंगे, तीखी लाल मिर्च, और साथ ही धनिया पाउडर जो 2 चम्मच था, और साथ ही हल्दी 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये जो प्याज हमने ली है, इसको थोड़ा सा हाथ से बारीक करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्सी में नहीं पीसना, इसको सिर्फ हाथ से ही मसलना है। देखिए हमारी प्याज भी हो गई है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, कलर कितना अच्छा आया है इसका। चलिए अब हम इसमें आलू डालेंगे। पहले अब हम आलू को चलाएंगे। एक मिनट पकाएंगे इसको। चलिए अब हम इसमें फिश भी डालते हैं।
अब हम इसको सबके हाथ से चलाएंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना, कम मसाले की है और झटपट बनने वाली है। अब हम इसको एक मिनट तक पकाएंगे ऐसी, ताकि इसमें कुछ स्मेल वगैरह ना रहे। चलिए ये भुन गई है, अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, ढक देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारी मछली को 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलना।